हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनर द ब्लॉग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग जो है होटल के रिकॉर्डिंग है। आप जो है कर्नाटक में हुबली जगह पे अगर होटल रूम बुक करना चाहते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो वो रूम कैसा है, क्या है, उसके प्राइस क्या हैं, कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वो होटल जिसके बारे में हम बता रहे थे, ठीक है, इसी में जो है वो रूम मिलता है। 306। चाबी लगी है, तो रूम के पास पहुंचेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसा है क्या है। तो रूम के पास हम पहुंच गए हैं, जो फाइनली आप लोगों को मिलने वाला है। ये है रूम, ठीक है, ये डबल बेड का रूम है, ठीक है। इसमें जो है आपको जो सिंगल बेड होगा उसका चार्ज 500 रुपये और जो डबल बेड होगा उसका चार्ज 700 रुपये, ठीक है। ये दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर डबल बेड लोगे तो 2 लोग रहेंगे, अगर सिंगल बेड लोगे तो 1 लोग रहोगे। तो जिस हिसाब से आप रहोगे उस हिसाब से आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आपको टीवी, ठीक है, और उसके बाद जो है एक कपड़े रखने के लिए शोकेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको इधर एक ठंडा गर्म पानी आपको यहाँ पे मिलेगा, एक में ठंडा एक में गर्म, ठीक है। तो ये जो है रूम का कंडीशन है, काफ़ी अच्छा है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रखते हैं। और इतने कम बजट में इतना अच्छा रूम अगर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इधर कभी आते हो तो आप यहाँ आ करके ये रूम ले सकते हो, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो आपको जो है हुबली अर्बन ओशियन मॉल के पास में ही जो है वो मिल जाएगा। इसका नाम मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में किसी नए ब्लॉग में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक बात और बताना चाहेंगे समाप्त करने से पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, इसे दबा के और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे और उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो। चलिए, धन्यवाद।